नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लियर जेल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, क्लियर जेल को कैसे लगाना चाहिए और क्लियर जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि क्लियर जेल को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में क्लियर जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है। क्लियर जेल का उपयोग मुख्य रूप से एक्ने यानी चेहरे पर मुहासों की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। क्लियर जेल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन क्लिंडामाइसिन होता है। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो पिंपल्स और मुहासों के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया को मारती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लियर जेल को कैसे लगाना रेकमेंडेड होता है। क्लियर जेल को लगाने से पहले आपको अपने चेहरे व हाथों को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। आप अपने चेहरे को फेस वॉश या साबुन की मदद से भी धो सकते हैं और उसके बाद चेहरे व हाथों को अच्छी तरह सुखाने के बाद क्लियर जेल की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैला कर लगानी चाहिए। क्लियर जेल को ज्यादा रगड़ कर नहीं लगाना चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर क्लियर जेल को दिन में दो बार सुबह व शाम को लगाने की सलाह देते हैं। क्लियर जेल का असर दिखने में 2 से लेकर 3 सप्ताह का समय लग सकता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों में क्लियर जेल का असर 2 से लेकर 3 सप्ताह में दिखने लग जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लियर जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में क्लियर जेल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में क्लियर जेल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे त्वचा में जलन, खुजली, त्वचा में सूखापन और त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है। लेकिन अगर आपको क्लियर जेल को लगाने के बाद त्वचा में जलन या त्वचा में खुजली ज्यादा होती है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लियर जेल को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में क्लियर जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है। क्लियर जेल को आंख, नाक और मुंह के किनारों के पास लगाना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए क्लियर जेल को आंख, नाक और मुंह के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। क्लियर जेल को घाव के ऊपर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर क्लियर जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए क्लियर जेल को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं क्लियर जेल को लगा सकती हैं या नहीं। वैसे क्लियर जेल प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी क्लियर जेल का उपयोग करना सुरक्षित है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को क्लियर जेल को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को क्लियर जेल को नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका क्लियर जेल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।